हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की सिक्स क्लास की हिंदी की बुक सेकंड लैंग्वेज, उसका चौथा चैप्टर इंद्रधनुष। और आज हम चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़े और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। रंग रंग, किन्ना किन्ने, खुशी खुशी। दूसरा, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। बदल मेघ, सतरंगी पिंग इंद्रधनुष, आकाश नभ, धरती धरा, शेक छेद, वेड़ा आंगन, वर्खा मिही वर्षा, कुदरत प्रकृति, अचानक सहसहा, झूला झूला। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। कविता में बादलों का रंग कैसा बताया गया है? उत्तर, कविता में बादलों का रंग काला बताया गया है। ख, वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है? उत्तर, वर्षा के बाद प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। ग, वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर क्या दिखाई देता है? उत्तर, वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। घ, इंद्रधनुष का आकार कैसा होता है? उत्तर, इंद्रधनुष का आकार झूले जैसा होता है। आगे कवि ने इंद्रधनुष के लिए अन्य कौन सा शब्द प्रयोग किया है? उत्तर, कवि ने इंद्रधनुष के लिए सतरंगा शब्द का प्रयोग किया है। आगे चार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार या पांच वाक्यों में लिखें। क, सावन के महीने में प्रकृति हरी भरी क्यों दिखाई देती है? उत्तर, सावन के महीने में आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं और खूब वर्षा करते हैं, जिससे सारी प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है या दिखने लगती है। ख, इस माह की अन्य क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, सावन के महीने में आकाश घने काले बादलों से ढक जाता है। काले बादलों को देखकर बच्चे बूढ़े तथा युवा सभी खुशियों से भर कर नाचने लगते हैं। उनके चेहरे खुशियों से खिल उठते हैं, गर्मी से राहत मिलती है, मोर नाचने लगता है, मेंढक टराने लगते हैं, सारी धरती हरी भरी हो उठती है और आकाश पर इंद्रधनुष दिखने लगता है। ग, वर्षा ऋतु से हमें मुस्कुराते रहने का क्या संदेश मिलता है? उत्तर, वर्षा ऋतु में उमड़ घुमड़ कर आए काले बादल हमें संदेश देते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहो और अपने चारों ओर खुशियां बांटते चलो। आगे पांचवा, इंद्रधनुष के चित्र को देखो और नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय ढूंढकर लिखें। जैसे मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है, प्रभु परमात्मा ईश्वर, मेघ जलद या बादल, नभ आकाश गगन, किरण कर या मयूर। आगे कविता की पंक्तियां पूरी करो। क, वर्षा थमी धरा महकी, इनको पूरा करके मैंने यहाँ पर जो जवाब है वो लिखा है। तो चलिए सीधा आंसर पढ़ते हैं। यहाँ पर है, वर्षा थमी धरा महकी, प्रकृति दिखती हरी भरी। ख, नभ पर रंगों का मेला,
अर्धवृत्त जैसे फैला, ग हृदय हार नभ रानी का, मोहित मन हर प्राणी का। सातवां, पढ़ो समझो और दो दो नए शब्द लिखो। जैसे यहाँ पर शब्द बने हुए हैं, पहले में सूर्य निकल कर आ रहा है, वैसे ही इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए जो शब्द बनते हैं इनसे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले जो यहाँ पर शब्द बना हुआ है वो क्या है, सूर्य धैर्य। वैसे अगला यहाँ पर चर्म गर्म, यहाँ पर बन रहा है चर्च खर्च। वैसे ही अगला जो है वहां पर बन रहा है वर्षा या हर्षा। प्रकृति प्रकाश, आगे क्रय विक्रय। यहाँ पर जो अगला शब्द बन रहा है दरिद्र द्रविड़, और अगला है ब्राजील या सब्र। आगे अध्यापन निर्देश, एक अध्यापक विद्यार्थियों को बताएं कि हलंत र अर्थात स्वर रहित र अपने से अगले व्यंजन के ऊपर ऐसे लगाया जाता है, इसे रेफ कहते हैं। जैसे र प्लस य ऐसे ऊपर आ जाता है, सूर्य आदि, ठीक है, तो इसके ऊपर ऐसे आ जाता है। इसी तरह अध्यापक ये भी बताए कि र से पहले हलंत व्यंजन अरहित व्यंजन हो तो र उसके नीचे लिखा जाता है और उसका हलंत हट जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकृति प्रभु आदि। र के इस रूप को पदेन कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा, यदि र के बाद मात्रा सहित व्यंजन आता है तो र मात्रा के बाद लगता है, जैसे वर्षा में र आ की मात्रा पर लगा है। इसी तरह ई की मात्रा तथा ओ की मात्रा के बाद र का प्रयोग होता है, जैसे पूर्वी में तथा धर्मों में क्रमशः ई और ओ की मात्रा के बाद र का प्रयोग हुआ है। वैसे ही आगे आठवां, सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, इंद्रधनुष का चित्र बनाएं और उसमें अध्यापक की मदद से यह स्वयं रंग भरें, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है उसमें बोला गया है इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर, लाल नीला हरा पीला नारंगी बैंगनी और जामुनी। अगला, सावन के महीने का आनंद लें, सावन के महीने की रोचक बातें अपने अभ्यास पुस्तिका में भी लिखेंगे, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं चौथा, यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा। उत्तर, यदि वर्षा ना हो तो सारी धरती प्यासी हो जाएगी, पेड़ पौधे सब सड़ और मर जाएंगे, दुनिया में या नदियों में पानी भी नहीं होगा, मनुष्य और प्रकृति सब त्राही त्राही कर उठेंगे। पांचवा, यदि वर्षा अधिक होगी तो क्या होगा। उत्तर, देखो यदि वर्षा अधिक होगी तो नदी नाले जल से लबालब भर जाएंगे, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देगा, बाढ़ आ जाएगी और लोग अपने सामान उठाकर भागते छिपते दिखाई देंगे। आगे, चित्र देकर अपनी कल्पना से पांच वाक्य लिखें। अब ये चित्र क्या है, ये यहाँ पर आपको तस्वीर बना के दिखाई गई है। ये देखिए, नौवें प्रश्न के लिए ये चित्र है। अब इसमें आपने इसको देख के पांच वाक्य बनाने हैं। तो चलिए, इसका उत्तर जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, वर्षा हो रही है, बच्चे वर्षा में भीग रहे हैं, लड़कियां सावन के झूले झूल रही हैं, पक्षी वर्षा से भीगने से बचने के लिए छिप रहे हैं, बच्चा
वर्षा में नाच रहा है, चारों ओर पानी ही पानी है, आकाश से वर्षा की बूंदें धरती पर गिर रही हैं। आगे अध्यापन निर्देश है, इंद्रधनुष को अंग्रेजी में रेनबो कहते हैं। इंद्रधनुष के रंग लिखने हिंदी में बैंगनी, जामनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, मतलब सतरंगी, संतरी और लाल। इंद्रधनुष के रंग हिंदी में याद रखने का संक्षिप्त रूप ये है। इंद्रधनुष के रंग अंग्रेजी में कौन कौन से है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको याद रखते कैसे हैं? विबग्योर से। आगे योग्यता विस्तार, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष ऐसे समय बनता है जब सूरज पश्चिम में डूब रहा होता है, तब यह पूर्व की ओर बनता है। वैसे इसके बनने के लिए वर्षा के साथ साथ साफ आकाश और सूरज की रोशनी का होना भी जरूरी है। हवा में मौजूद पानी की नन्ही नन्ही बूंदों पर पड़ती सूर्य किरणों से हमें सात रंगों की छटा का बहुत ही सुंदर कुदरती घेरा दिखाई देता है। आगे सहायक क्रिया, रोशनी के आगे पारदर्शी पेन को सामने रखकर इंद्रधनुष के सभी रंगों का अवलोकन करें। दूसरा, विज्ञान की प्रयोगशाला से प्रिज्म लेकर रोशनी में इंद्रधनुषी रंगों का अवलोकन करें। ठीक है, आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, इंद्रधनुष का आकार कैसा होता है? क, झूले जैसा। ख, फूले जैसा। क, फूल जैसा। घ, धूल जैसा। उत्तर, झूले जैसा। दूसरा प्रश्न, कवि ने इंद्रधनुष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? क, इंद्रा। ख, इंद्री। ग, सतरंगा। घ, संतरंगी। उत्तर है ग, सतरंगा। तीसरा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? क, 5। ख, 6। ग, 7। ख, 8। उत्तर है ग, 7। चौथा प्रश्न, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? उत्तर में लाल, नीला, हरा, पीला। ग, नारंगी, बैंगनी या जामनी। घ, ये सभी। उत्तर है घ, ये सभी। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।